Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the ट्रांसक्रिप्शन रिवीजन. ठीक है, क्विक रिवीजन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था जो कि पार्ट वन वीडियो में आपको बता चुका हूं. अगर पार्ट वन वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर उनको देख लीजिए. तो ये क्विक रिवीजन का पार्ट टू वीडियो है जिसमें डिस्कस करने वाले हैं फर्दर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के क्विक रिवीजन की बात करता हूं, तो सिंपल शब्दों की बात करें तो प्रोसेस कैसा होता है. सिस्ट्रॉन की बात करूं मैं, सिस्ट्रॉन का मतलब कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने जीन सिंथेसाइज हो रहे हैं. प्रोकैरियोट आप जानते हैं, प्रोकैरियोटिक बेचारा गरीब होता है, उसके पास वैसे ही सेल साइज छोटा है, एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है. तो आपको क्या करेगा, वो सोचेगा कि एक बार ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो तो मेरे सारे जीन्स, जितने ज़्यादा जीन्स हो सके वो उतने ट्रांसक्राइब हो जाए. तो कैसा नेचर होना चाहिए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक. ये होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि बार बार अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से अलग अलग जीन बनाएगा. एक बार मशीनरी एक्टिव हो तो जितना ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन कर सके उतना ही बेटर है. तो ये पार्ट किसके लिए होता है, ये होता है आपके सीधे शब्दों की बात करें तो ये होता है प्रोकैरियोट के केस में. ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द केस ऑफ यूकैरियोट, जैसे अगर यूकैरियोट की बात करते हैं, आप यूकैरियोट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक ही जीन बनेगा. ठीक है, और यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से ए जीन भी बन सकता है, बी जीन भी बन सकता है. तो कई तरीके के जीन्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें. ठीक है, तो ये होता है सिस्ट्रॉन. प्रमोटर की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. प्रमोटर का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैं सिंपल शब्दों की बात करूँ तो प्रमोटर की बात करें तो माइनस टेन जो होता है वो एक माइनस टेन पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है. अब ये माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है, इसके सिंपल शब्दों की बात करूँ तो कोई भी जीन होता है स्टार्ट साइट जो होता है, स्टार्ट साइट की बात करें, स्टार्ट साइट से जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जब अपस्ट्रीम जाते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव. डाउनस्ट्रीम पॉजिटिव होता है, अपस्ट्रीम नेगेटिव होता है. तो इसका मतलब ये अपस्ट्रीम पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है स्टार्ट साइड से. ठीक है, अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट होता है, माइनस टेन पे होता है प्रिबनाउ बॉक्स, जिसको बोलते हैं टाटा एटी. कई लोग इसको गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत समझते हैं कि टाटा बॉक्स होता है, बट इट इज़ नॉट टाटा बॉक्स. टाटा बॉक्स यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ये प्रिबनाउ बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स से कन्फ्यूज मत करिएगा. उसके बाद होता है हॉगनेस बॉक्स जो कि TTGACA होता है -35 पे, और इसमें से जो मेन या आपका कोर प्रमोटर होता है दैट इज द -10 और प्रिबनाउ बॉक्स. यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए जो कि एमआरएनए बनाता है उसके लिए तीन प्रमोटर्स होते हैं -30, -70, -85. -30 पे होता है टाटा बॉक्स, -70 पे होता है कैट बॉक्स, एंड -85 पे होता है जीसी बॉक्स. ठीक है, तो ये रहे प्रमोटर्स. नाउ टॉक अबाउट द प्रमोटर रिकॉग्निशन. प्रमोटर रिकॉग्निशन की बात करूँ मैं तो प्रमोटर रिकॉग्निशन प्रोकैरियोट में होता है सिग्मा 70 फैक्टर से होता है प्रमोटर रिकॉग्निशन. किसको रिकॉग्नाइज करता है, प्रिबनाउ बॉक्स को, -10 बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है. लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ यूकैरियोट में कौन करता है, TBP टाटा बाइंडिंग प्रोटीन. किसको रिकॉग्नाइज करेगा, टाटा बॉक्स को. TBP TAF इज द TBP एसोसिएटेड फैक्टर, एंड TF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी. किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, टाटा बॉक्स को, जो कि कोर प्रमोटर होता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट. नाउ अगर टॉकिंग अबाउट द इनिशिएशन कैसा होता है, आपको सिंपल मैंने बताया था, होलो एंजाइम आएगा प्रोकैरियोट के केस में, मतलब सिग्मा फैक्टर के साथ साथ कौन होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा. क्या बनाएगा, बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा. बाइनरी कॉम्प्लेक्स के बाद आपको प्रमोटर क्लियरेंस होगा, फिर उसके बाद कोर एंजाइम, जिससे कि प्रमोटर क्लियरेंस के बाद ओपन होगा. ओपन होने के बाद टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन आपका ओपन होगा हेलिक्स, फिर आपका सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकलेगा. सिग्मा फैक्टर निकलने के बाद टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, आरएनए की सिंथेसिस होगी. एबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद स्टेबल इनिशिएशन हो जाएगा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. तो ये रहा इनिशिएशन का केस इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इन द केस ऑफ यूकैरियोट, तो उसमें क्या होता है, टीबीपी बाइंड्स विद द टाटा बॉक्स. टाटा बाइंडिंग जो प्रोटीन होता है वो किससे बाइंड करेगा, टाटा बॉक्स से बाइंड करेगा. और उसके बाद सीरीज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि आते हैं, इनका ऑर्डर फिक्स होता है, ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते. ऑर्डर याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा कोड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, द अमिताभ बच्चन. ठीक है, द अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक एंटरटेनर है.
पहले वर्ड को लेते जाइए, द द को डी लिखिएगा, डी आएगा फिर ए फिर बी फिर एफ फिर ई फिर एच। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द अमिताभ बच्चन फंटेस्टिक एंटरटेनर है, द अमिताभ बच्चन फंटेस्टिक एंटरटेनर है, डी ए बी एफ ई एच, यही ऑर्डर है, डी ए बी एफ ई एच। और आपको पता है फंटेस्टिक इज अ वेरी गुड वर्ड और वही आपके कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आरएनए के कैरेक्टर यानी आरएनए को बनाने वाला कौन सा फैक्ट कौन होगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज जो किससे लिंक होगा, फैंटेस्टिक यानी एफ से, ठीक है, एफ से लिंक कर दीजिए आरएनए पॉलीमरेज को। दिस इज द कोड टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन द केस ऑफ यूकेरियोट्स फॉर द आरएनए पॉलीमरेज 2। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये जो सेकंड लिखते हैं, सेकंड का मतलब है आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए यूज होता है, अगर 1 के लिए होता तो 1 लिखते हैं, 3rd के लिए होता तो 3rd लिखते हैं, ओके। और ये मिलने के बाद बाइनरी, बाइनरी के बाद ओपन, फिर टर्नरी, टर्नरी के बाद इनिशिएशन होगा, जो कि नॉर्मल प्रोसेस में आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कंप्लीट डिटेल प्रोसेस। दीज आर द इनिशिएशन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रमोटर कैसे होते हैं, उनका रिकॉग्निशन कैसे होता है। नाउ अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ आपसे इलोंगेशन के लिए, तो इलोंगेशन में आपको पता है इलोंगेशन के लिए क्या चाहिए, इलोंगेशन के लिए चाहिए कोर एंजाइम, कोर एंजाइम यानी सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, गायरेज एक्टिविटी चाहिए क्योंकि टोपो आइसोमरेज चाहिए, चाहिए टोपो आइसोमरेज 2 यूज होता है गायर ए, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करते हैं, टोपो आइसोमरेज 2 नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को, टोपो आइसोमरेज 1 नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है, सेम एज इन द प्रोकैरियोट्स। इन द प्रोकैरियोट्स जैसा कि इलोंगेशन होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी इलोंगेशन होता है, आपके कोर एंजाइम्स रहते हैं इलोंगेट करेंगे कुछ आपके एक्टिवेटर्स, अगर ट्रांसक्रिप्टर्स के जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो कहाँ पे बाइंड करेंगे, दे बाइंड विद द कैट बॉक्स, मैंने आपको अभी बताया था कैट बॉक्स -70 पोजीशन पे होता है, कैट बॉक्स से बाइंड करेंगे, ठीक है, कैट बॉक्स से बाइंड करने के बाद क्या करेंगे ये आपके ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नाउ टर्मिनेशन की बात करें तो जैसा कि आपको बताया दो तरीके के टर्मिनेशन होते हैं, रो डिपेंडेंट एंड द रो इनडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन की बात करें तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास क्या होता है टर्मिनेशन साइट पे पहुंचते ही यहां से जो आपके मान लीजिए ये टर्मिनेशन साइट है, ये mRNA है, mRNA से आपका यहां से हेलिकेज मूव करता हुआ जाएगा 5' to 3', और इसका नेचर होता है हेलिकेज, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनको क्लीव करके आरएनए को अलग कर देगा, दिस इज रो डिपेंडेंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रो इनडिपेंडेंट, अगर रो इनडिपेंडेंट की बात करें तो रो इनडिपेंडेंट में क्या होता है, एक आप mRNA में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज होते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस होते हैं जो कि हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रीम लूप या हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन करते हैं जो कि स्टॉप कर देते हैं आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को, जैसे आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, क्विक रिविजन है ये, ठीक है, डिटेल प्रोसेस नहीं है, डिटेल जानने के लिए आप अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं जहाँ पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ। नाउ डिस्कस अबाउट द आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, कितने यूनिट्स होते हैं, 5 यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा सिग्मा, अल्फा जो होता है वो असेंबली के लिए यूज होता है, बीटा बीटा प्राइम कैटालिटिक यूनिट होते हैं, ओमेगा स्टेबिलिटी स्टेबलाइजेशन के लिए होता है, एंड सिग्मा एज यू नो दैट सिग्मा 70 फॉर द प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड द इनिशिएशन। तो ये आपके आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रोकैरियोट्स, अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा एंड सिग्मा, अल्फा फॉर द असेंबली, बीटा बीटा प्राइम फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी, ओमेगा फॉर द स्टेबलाइजेशन एंड सिग्मा फॉर द प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड द इनिशिएशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज इन द यूकैरियोट्स, ये आपके तीन तरीके होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 3 एंड पॉलीमरेज 2, ठीक है। अगर बात करें तो कोड क्या होता है, RMT, यहाँ पे 2 मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक आप RMT की बात करें तो पहला जो होता है कौन कौन से R बनाता है राइबोसोमल RNA, 5.8S, 18S, 28S, ये बनाता है, लेकिन 5S जो राइबोसोमल RNA होता है वो बनाता है थर्ड tRNA के साथ साथ 5SRNA, U6SNRNA साइन बनाता है RNA पॉलीमरेज थर्ड। और RNA पॉलीमरेज सेकेंड की बात करें तो ये क्या करता है, ये आपके mRNA को बनाता है, मोस्ट ऑफ द SNRNA को बनाता है, एक्सेप्ट विच
U6 SNRNA को थर्ड बनाता है, बाकी SNRNA को बनाता है RNA polymerase सेकंड लाइन बनाता है, mRNA यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं RNA polymerase सेकंड बनाते हैं। इसके प्रमोटर के बारे में डिस्कस कर चुका था, टाटा बॉक्स होता है -30, कैट बॉक्स -70, जीसी बॉक्स -85, और RNA polymerase थर्ड के लिए type 1, type 2 एंड type 3 प्रमोटर्स होते हैं, और RNA polymerase वन के लिए थर्ड के लिए प्रमोटर्स है, और वन के लिए आपके एक प्रमोटर होता है जो -40 से +20 के बीच में प्रेजेंट होता है।